बरेली जनपद के आमला नगर में एटीएम काटने के दौरान दरोगा पर फायर झोंकने वाली घटना का पुलिस ने किया खुलासा। जी हां, गत माह 13 जुलाई को चोरों ने स्थानीय मोहल्ला खेड़ा भूमि विकास बैंक के समीप लगे एटीएम को काटने का प्रयास किया था। गश्त के दौरान निकल रही दरोगा पीवी ने एटीएम के अंदर मौजूद लोगों पर संदेह होने के चलते जब पूछताछ की तो एटीएम में मौजूद संदिग्ध ने दरोगा पर फायर झोंक दिया और फरार हो गए, जिससे दरोगा गंभीर रूप से घायल हो गए थे। अब इसी मामले को लेकर पुलिस को कामयाबी मिली है। आज कोतवाली में सीओ चमन सिंह चावड़ा द्वारा प्रेस वार्ता के दौरान बताया गया कि एक महीने की कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस द्वारा सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। क्या है पूरा मामला? 13 तारीख की रात्रि में एक थाना आंवला के अंदर एक घटना घटी थी, जिसमें कुछ लोगों ने एटीएम काटने का प्रयास किया था। उसमें हमारे इंस्पेक्टर प्रेरणा को गोली मिली थी। इसके क्रम में एक टीम का गठन किया गया था इंस्पेक्टर कोतवाली आंवला के नेतृत्व। उन्होंने अपनी कड़ी मशक्कत के बाद एक व्यक्ति को आज गिरफ्तार किया है, जिसने बताया कि उसने उस एटीएम की रेकी की थी और जो उसके साथीगण थे उन्होंने रात में उस एटीएम पर प्रयास किया था।